जो आज जवान को पे अलाउंसेस मिल रहे हैं वो अग्निवीर को ज्यादा मिलेंगे। ओके इसके प्लीज डोंट टेक हिम कॉस्ट टू कंपनी वगैरह जैसे वर्ड, देयर इज नथिंग। फौज की नौकरी एक जज्बा है, इसको आप पे से नहीं तोल सकते। हाउएवर जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी, इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा, उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है ही विल गेट द सेम अलाउंस, अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा, अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है मुझे भी नहीं मिल रहा उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देर इज नो डिफ्रेंसिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा, देर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए, बिकॉज उसने लड़ाई कल हमारे साथ करनी है, और अगर वो हमारे साथ देश के लिए बलिदान देगा तो देर इज कोई गुंजाइश ही नहीं है उसको हम किसी तरीके से रत्ती भर भी उसको हम अपना छोटा सोचे, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं।